कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने आज नागपुर में मीडिया से बात की। उन्होंने इस वक्त सरकार पर कई तीखे सवाल दागे। उन्होंने कहा कि देश की सरकार तानाशाह है, देश के नेता राहुल गांधी को रोकने का काम किया जा रहा है, मगर देश की जनता उनके साथ है, ये भी पटोले ने कहा है। देश के नेता राहुल गांधी की फिलहाल न्याय यात्रा शुरू है, जिसके विरोध में कई लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जनता राहुल गांधी के साथ है, यह कहना है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का। वह आज नागपुर में मीडिया से बात कर रहे थे। बिल्कुल करे, वो तानाशाह प्रवृत्ति के लोग जो है वो ऐसे ही वक्तव्य करेंगे। राहुल गांधी जी को डरते है वो लोग, और डरने की वजह से उनकी परिस्थितियाँ आई है। वो त्रिपुरा में भी वही हुआ था, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी की सरकार है। नागालैंड में भी वही हालत हुई थी, अब असम में भी है। तो कहीं पर भी हो, कुछ भी हो, लेकिन देश की जनता को न्याय देने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। उनकी न्याय यात्रा है, पूरा देश उनके साथ है। और आप देखते हो कि ठीक है, आपकी गोदी मीडिया नहीं दिखाती, लेकिन सोशल मीडिया पे देखिए लोगों का कितना साथ राहुल गांधी के साथ है, ये सब सोशल मीडिया पे दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों का साथ जिसके साथ होता है उसको ये डरपोक लोग डरेंगी, तो डरने दो उनको। राहुल गांधी जी के ऊपर कार्रवाई करने दो, देश कैसा इनसे बदला लेता फिर देखो वोट के माध्यम। नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ही रामलला के द्वार खोले थे। मंदिर बनाने की भी बात उन्होंने ही की थी और मस्जिद भी बनाने की बात भी कही थी, मगर तब भारतीय जनता पार्टी ने ही इसका विरोध किया था। मंडल आयोग के विरोध में कमंडल लेके आए थे, यह बात भी नाना पटोले ने कही है। ये बासी कड़ी को उबाल आने का बात हुई है। खुद राहुल जी ने आगे आकर रामलला का ताला खोला और रामलला का दर्शन करने की व्यवस्था बनाई, खुद वहां पे शिलान्यास किया उन्होंने, और उसमें का रास्ता भी राजीव गांधी जी ने निकाला था कि मस्जिद के बाजू में अपन मंदिर बनाएंगे, मस्जिद भी बना के देंगे, ऐसा एक रास्ता था। यही बीजेपी ने जब बहुजनों को न्याय मिलने का समय आया था, मंडल आयोग आया था, तो यही बीजेपी ने तब का मंडल निकाल कर देश में ध्रुवीकरण किया और देश को एक ऐसे स्तर पे ला के रखा कि लोग आपस में लड़े। ये भगवान श्री राम ने कभी नहीं कहा, राम राज्य की संकल्पना सब लोगों को लेके चलने का। धोबी ने भी आरोप लगाया था माँ सीता के ऊपर, तो भगवान श्री राम जी ने उसके वो उनकी बात सुनी थी। आज वैसा नहीं है, आज तो उल्टा आ गया। राजू जी ने उस समय कहा था कि वहाँ मंदिर बनाएंगे, मस्जिद यहाँ रहेंगी, उस समय यही बीजेपी ने विरोध किया था। आज मंदिर कहाँ बनाया गया है? आज मस्जिद के जगह मंदिर नहीं बनाया। तो इसका जवाब है, बासी कड़ी को उबाल है। राजनाथ सिंह जी एक ज्येष्ठ नेता है, उनको हम अच्छे तरह से समझते हैं, देखते हैं, लेकिन वो ऐसी बात करे तो ये गलत बात। सरकार कोई भी हो देश के लिए महत्वपूर्ण है। मंदिर बनाना पहले की सरकार हो या अभी की, इतिहास इस देश की जनता जानती है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।